हेलो स्टूडेंट्स, आई कृणाल परमार। इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस फॉर क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। दिस इज अ लेक्चर नंबर 3। इन प्रीवियस टू लेक्चर वी डिस्कस अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस different example based on Newton's first law of motion, second law of motion and momentum. So let's start. Here in example 1, a car of mass 1000 kg is moving with 90 km per hour velocity, and a truck of 6000 kg is moving with 18 km per hour velocity, हुज मोमेंटम इज मोर। यहाँ पे हमारे पास दो व्हीकल है, फर्स्ट वन इज कार है और दूसरा जो है वो ट्रक है। जो कार की जो मास है वो 1000 kg है, उसकी जो वेलोसिटी है वो 90 km/h है, और दूसरा जो व्हीकल है ट्रक, उसका जो मास है वो 6000 kg है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 18 km/h है। तो यहाँ पे इन दोनों में से किसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप देख सकते हो कि एक साइड पे ट्रक है, एक साइड पे कार है। तो पहले हम कार के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे कार का जो मास है m इज इक्वल टू 1000 kg है और उसकी जो वेलोसिटी v है वो है 90 km/h। 90 km/h को पहले हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 90 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1 hour इज इक्वल टू 3600 सेकंड। डेट्स वाई फ्रॉम दिस कैलकुलेशन वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ स्मॉल v इज 25 m/s। अभी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो स्लाइड मैंने रखी है यहाँ पे जो कार लिखा है वहाँ पे ट्रक आएगा और यहाँ पे जो मोमेंटम ऑफ ट्रक है वहाँ पे कार आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास m की जो वैल्यू है कार के लिए, अभी हम बोल रहे हैं कार के लिए जो m की वैल्यू है वो 1000 kg है, v की वैल्यू है 25 m/s। नाउ वी फाइंड आउट मोमेंटम ऑफ कार। तो हमारे पास वैल्यू है p इज इक्वल टू एम वी, हमारे पास m की वैल्यू है 1000, v की वैल्यू है 25। तो वी गेट द वैल्यू ऑफ मोमेंटम फॉर द कार इज 25000 kg/s। तो हमारे पास जो कार की जो वैल्यू आई मोमेंटम की वो 25000 kg/s है। अभी सिमिलर वे हम ट्रक की मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास ट्रक के लिए m की वैल्यू है 6000 kg, v की जो वैल्यू है वो है 18 km/h। 18 km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 m एंड 1 hour इज इक्वल टू 3600 सेकंड। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल v इज इक्वल टू 5 m/s। अभी हम यहाँ पे मोमेंटम ऑफ ये कार नहीं, ये ट्रक है, ट्रक के लिए क्या करेंगे, p इज इक्वल टू एम वी। अभी कार के जो m की वैल्यू है 6000 है, v की वैल्यू 5 है, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ ट्रक इज इक्वल टू 30000 kg/m/s। तो इसके सॉल्यूशन पे से हम कह सकते हैं कि जो ट्रक का जो मोमेंटम है वो 30000 kg/s है और जो कार का मोमेंटम है 25000 kg/s। सो ट्रक का जो मोमेंटम है वो यहाँ पे ज़्यादा है। नाउ मूव फॉरवर्ड सेकंड एग्जांपल। इन दिस एग्जांपल कैलकुलेट द फोर्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ एक्सेलरेशन 3 m/s² इन अ बॉडी ऑफ 10 kg मास, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इफ द फोर्स इज डबल। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अगर कोई बॉडी में 3 m/s² बॉडी जो है उसका मास है 10 kg मास, उसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना है वो कितना दिया है, 3 m/s² दिया है, तो उसके लिए कितना फोर्स चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन इस तरह से, अगर हम फोर्स को डबल करेंगे तो जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी होगी। लेट्स सी द सॉल्यूशन। हियर द वैल्यू ऑफ
m इज इक्वल टू गिवन डेटा वैल्यू ऑफ m इज 10 kg, एक्सीलरेशन a दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको उसके लिए फोर्स फाइंड आउट करना है। तो वी नो द इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, f इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे m और a की वैल्यू इनपुट करेंगे, m की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 3, वी गेट वैल्यू ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 30 न्यूटन। अभी यहाँ पे हमको क्या बोला है, 30 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है उसको हमको डबल करना है। तो 30 न्यूटन का फोर्स को हम डबल करेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल टू 2 इंटू 30 न्यूटन इज इक्वल टू 60 न्यूटन। तो अभी ये कंडीशन में कितना एसिलेशन प्रोड्यूस होगा, वी नो द इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम ए, सो ए इज इक्वल टू एफ अपन एम। अभी यहाँ पे एफ की नई वैल्यू जो है वो कितनी है, 60 न्यूटन। मास की जो वैल्यू है वही है एम इज इक्वल टू 10 kg, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ एसिलेशन 60/10 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो वी गेट द वैल्यू, अगर हम जो फोर्स है उसको डबल करेंगे तो जो बॉडी है उसमें जो एसिलेशन होगा वो भी डबल प्रोड्यूस होगा। पहले 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, अभी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट एग्जांपल, इन 4 सेकंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 50 kg इंक्रीज फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द नेसेसरी फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट गिवन डेटा। हियर यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वह क्या है, टाइम है 4 सेकंड। 4 सेकंड के अंदर, 4 सेकंड में जो 50 kg मास का जो बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी वो इंक्रीज होती है 2 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड। तो उसके लिए जो नेसेसरी फोर्स है वो हमको फाइंड आउट करना है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, 4 सेकंड में जो 50 kg का मास है उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड करने के लिए कितना फोर्स नेसेसरी है वो हमको फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। हियर द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 50 kg। यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों वेलोसिटी है लेकिन दोनों के साइन हम सेम नहीं रख सकते, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी को u रखेंगे, फाइनल वेलोसिटी को v लेंगे। u यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है, v 10 मीटर पर सेकंड है, टाइम दिया है 4 सेकंड। तो और f फाइंड आउट करना है, वी नो द इक्वेशन f इज इक्वल टू m ए। यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास है 50, m इज इक्वल टू 50। अभी a की जो वैल्यू है, ओके वी नो द इक्वेशन ऑफ a मतलब एसिलेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब ये आपके फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, ये m इन ब्रैकेट v माइनस यू बाई टी। एम की जो वैल्यू है 50 है, v की जो वैल्यू है 10 है, u की वैल्यू है 2, टाइम की वैल्यू है 4। ये सभी वैल्यू ये इक्वेशन में इनपुट करेंगे तो वी गेट द वैल्यू इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो यहाँ पे जो नेसेसरी फोर्स चाहिए वो नेसेसरी फोर्स की जो वैल्यू है वो है 100 न्यूटन। नेक्स्ट एग्जांपल, अ बॉडी ऑफ 5 kg मास इज मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो मास है वो 5 kg का है, उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड दी गई है। इन अ 5 सेकंड इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज टू 30 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से चेंज होकर 30 मीटर पर सेकंड बनती है। तो यहाँ पे t की वैल्यू है 5 सेकंड, नई जो वेलोसिटी मिली वो v 30 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम एंड कैलकुलेट द नेसेसरी एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे फिर से एक बार समझाता हूँ, 5 kg का मास है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड के अंदर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो चेंज होके बढ़ के 30 मीटर पर सेकंड होती है। तो उसकी मोमेंटम फाइंड आउट करो और उसके लिए नेसेसरी फोर्स कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। हियर गिवन डेटा इज m इज इक्वल टू 5 kg, इनिशियल
वेलोसिटी यू की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी वी की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकंड, टाइम है 5 सेकंड, फोर्स फाइंड आउट करना। अभी यहाँ पे जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ओके, वी नो द इक्वेशन ऑफ मोमेंटम, पी इज इक्वल टू एम वी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो उसकी मोमेंटम चेंज होगी, तो चेंज इन मोमेंटम पी एफ, एफ इज रिप्रेजेंट फाइनल मोमेंटम माइनस पी आई, आई इज रिप्रेजेंट इनिशियल मोमेंटम, पी एफ माइनस पी आई, तो पी एफ क्या है, एम वी माइनस एम यू, एम कॉमन इन ब्रैकेट वी माइनस यू। हमारे पास एम वी और यू की वैल्यू है, एम की वैल्यू है 5, वी की वैल्यू है 30, यू की वैल्यू है 20, 5 इन ब्रैकेट 30 माइनस 20, वी गेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन मोमेंटम 50 केजी इंटू मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम जो फाइंड आउट करना है वो मिल गया 50 केजी मीटर पर सेकंड। अभी एक्सटर्नल फोर्स, अभी हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स का इक्वेशन क्या है, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम में चेंज डिनोटेड डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ पे पी एफ माइनस पी आई अपन टी, पी एफ माइनस पी आई मतलब चेंज इन मोमेंटम का आंसर है हमारे पास 50 के जी मीटर पर सेकंड, दैट्स वाई 50, टाइम है 5, तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी वो है 10 न्यूटन। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑन अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 10 केजी, यहाँ पे मास दिया हुआ है 10 केजी, अ कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, एफ की वैल्यू है 50 न्यूटन इज अप्लाइड, हाउ मच डिस्टेंस वुड द बॉडी ट्रैवल इन 2 सेकंड, तो वो बॉडी 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले गिवन डेटा देख लेते हैं, यहाँ पे स्टेशनरी बॉडी का मास दिया है m इज इक्वल टू 10 केजी, कॉन्स्टेंट फोर्स दिया है 50 न्यूटन, टाइम दिया है 2 सेकंड, ओके, तो हमारे पास न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसका इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू एम ए, तो हमारे पास एफ फोर्स की वैल्यू है, मास की वैल्यू है, तो हम उसका एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ ए इज इक्वल टू एफ बाई एम इक्वेशन। तो एफ बाई एम, एफ की वैल्यू है 50, एम की वैल्यू है 10, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। अभी यहाँ पे जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमको इक्वेशन यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इन टी सेकंड। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। जब हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू है और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है तो हमको डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन यूज करना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। हियर यू इज इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम पीरियड, 1/2 ए की, ए इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, ओके, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल ऑब्जेक्ट वो स्टेशनरी है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी स्टेशनरी है तो वो कोई उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो यू इज इक्वल टू जीरो। सो यू इज इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन में हम रखते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी, तो यू टी, यू जीरो है तो यू टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, 1/2 ए की जो वैल्यू है वो 5, टी की जो वैल्यू है 2 का स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस कैलकुलेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल, एस इज इक्वल टू 10 मीटर, ओके, तो 2 सेकंड में उसने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जाम्पल नंबर 6, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, यहाँ पे मास दिया है वैल्यू m इज इक्वल टू 5 के जी, इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड, अ कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू है 20 न्यूटन दी गई है, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है। लेट्स सी द सॉल्यूशन, यह गिवन डेटा यहाँ पे दिया गया है,
m इज इक्वल टू 5 kg है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे जो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, तो f इज इक्वल टू 20 न्यूटन, टाइम 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, t इज इक्वल टू 3 सेकंड। अभी हमारे पास इक्वेशन है f इज इक्वल टू एम ए, हमारे पास f की वैल्यू है, मास की वैल्यू है, तो उसके हिसाब से a की वैल्यू मिलेगी फ्रॉम a इज इक्वल टू f बाय m, f है 20, m है 5, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हमको क्या फाइंड आउट करने है, 3 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, सो वी टेक द यूज द इक्वेशन, वी यूज दिस इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू यहाँ पे इनिशियल उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है 4 मीटर पर सेकंड, तो u की जगह पे 4 लिया, एसिलेशन की वैल्यू हमको मिली यहाँ पे 4, t की जो वैल्यू है वो 3 सेकंड, तो u प्लस ए टी में u और ए टी की वैल्यू रखते हैं 4 प्लस इन ब्रैकेट 4 इंटू 3, वी गेट द वैल्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 16 मीटर पर सेकंड जितनी होगी। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7, चलो क्वेश्चन क्या है, 12 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन इन अ बॉडी ऑफ मास m एंड प्रोड्यूस एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन अ बॉडी मास m2। यहाँ पे दो बॉडी है, एक का जो मास है वो m1 है, दूसरा का जो मास है m2 है, यहाँ पे जो फोर्स हमने अप्लाई किया है वो 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, उससे जो एक्सीलरेशन मिल रहा है वो 3 मीटर पर सेकंड है पहली बॉडी के लिए, दूसरी बॉडी के लिए जो एक्सीलरेशन है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इफ बोथ द सेम फोर्स इज अप्लाइड आफ्टर टाइंग दिस टू बॉडीज टूगेदर व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस, अगर दोनों बॉडी का भी क्या करते हैं, टाई अप कर देते हैं, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं और बाद में सेम फोर्स लगाएंगे तो एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, व्हाट दोनों कनेक्टेड बॉडी में कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। लेट्स सी द सॉल्यूशन, हियर गिवन डेटा इज एफ इज इक्वल टू 12 न्यूटन, पहली बॉडी का एक्सीलरेशन है उसको A1 से रिप्रेजेंट करेंगे, A1 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों में फोर्स सेम है, दूसरी बॉडी है उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा A2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मास वो यहाँ पे कितने मास है, दो मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे M1 से, f इज इक्वल टू एम ए हमारे पास इक्वेशन है तो उसके हिसाब से M1 इज इक्वल टू f ओपन A1 होगा, M1 इज इक्वल टू f ओपन A1, f की वैल्यू है 12, A1 की वैल्यू है 3, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ M1 इज इक्वल टू 4 kg। सेम कैलकुलेशन फॉर मास M2, वी गेट द वैल्यू M2 इज इक्वल टू f ओपन A2, f की वैल्यू है सेम 12 न्यूटन, यहाँ पे A2 की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकंड, तो 12/6 वी गेट द वैल्यू ऑफ M2 इज इक्वल टू 2 kg। अभी कंडीशन क्या है हमको मिली है, अभी दोनों बॉडी को कंबाइन करना है, टाई करना है, दोनों को मिला जोड़ देना है, तो m अभी क्या होगा, m होगा M1 प्लस M2, दोनों का मास मिला के कंबाइन मास मिलेगा m इज इक्वल टू M1 प्लस M2, तो यहाँ पे M1 है 4 kg, M2 है 2 kg, वी गेट द वैल्यू m इज इक्वल टू 6 kg। अभी यहाँ पे फोर्स 12 न्यूटन ही लगेगा, तो उसमें एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, a इज इक्वल टू f बाय m, f इज इक्वल टू m ए मालूम है, तो उस पे से a इज इक्वल टू f बाय m लिख सकते हैं, f 12 न्यूटन अपन 6, m की वैल्यू 6 kg, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों बॉडी को कंबाइन करेंगे टाई करके और उस पर 12 न्यूटन का फोर्स अगर लगाएंगे तो उसमें जो एक्सीलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितना प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल,
Example number 8, a ball of 150 ग्राम, यहाँ पे जो बॉल का जो मास है वो 150 ग्राम है, इज थ्रोन एट 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड मिली है, टूवर्ड्स द बैट्समैन, बॉल को 150 ग्राम का बॉल है उसको 20 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से बैट्समैन की ओर फेंका है, ही हिट्स द बॉल इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन विथ द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, तो वो इनिशियल डायरेक्शन जो बॉल की है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बॉल को 25 मीटर पर सेकंड से वो हिट करता है। इफ़ द बॉल इज हिट इन 0.01 सेकंड, अभी बॉल को कितने टाइम में बॉल और बैट का कॉन्टैक्ट टाइम कितना है 0.01 सेकंड, इफ़ द बॉल इज हिट इन 0.01 सेकंड, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड फोर्स अप्लाइड बाय द बैट्समैन, तो यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा बॉल का और जो बैट्समैन बल्लेबाज ने कितना फोर्स अप्लाई किया होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। ओके, लेट सी द सॉल्यूशन। हियर गिवन डेटा m इज इक्वल टू, यहाँ पे है 150 ग्राम, पहले तो ये m इज इक्वल टू 150 ग्राम है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, तो 150 ग्राम ग्राम को कन्वर्ट करेंगे केजी में तो 1000 से उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास केजी में जो बॉल का मास है m इज इक्वल टू 0.15 केजी मिलेगा। अभी इनिशियल वेलोसिटी हमको यहाँ पे मिली है 20 मीटर पर सेकंड, v की जो वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे जो टाइम मिला है t इज इक्वल टू 0.01 सेकंड, तो इनिशियल मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी, यहाँ पे जो इनिशियल मोमेंटम है v को u से रिप्रेजेंट किया इनिशियल है इसलिए, तो p1 और pi इनिशियल के लिए pi इज इक्वल टू m इंटू यू, m की जो वैल्यू है 0.15, u की वैल्यू है 20, तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा 3 kg मीटर पर सेकंड। सिमिलर वे फाइनल मोमेंटम, लेकिन यहाँ पे जो बॉल को हिट किया तो उसके कारण उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, तो फाइनल मोमेंटम PF इज इक्वल टू एम वी, एम की वैल्यू 0.15 है, वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस में ली तो फाइनल ये वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो जाने के कारण हमने उसकी वैल्यू ली है -25, सो वी गेट द वैल्यू फाइनल मोमेंटम -3.75 kg मीटर पर सेकंड। हियर नेगेटिव साइन इज इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर हिटिंग इज अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन मोशन ऑफ द बॉल, तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी है, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल डेल्टा पी इज इक्वल टू PF माइनस PI, PF की जो वैल्यू है -3.75 - 3, वी गेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू -6.75 kg मीटर पर सेकंड। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बैट, अगर बॉल की चेंज इन मोमेंटम -6.75 है तो बैट की जो चेंज इन मोमेंटम होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब 6.75 kg मीटर पर सेकंड। ओके, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ बैट मिल गया, अभी जो फोर्स अप्लाई किया है बल्लेबाज ने बैट्समैन ने वो कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी, डेल्टा पी की जो वैल्यू है 6.75, यहाँ पे टाइम की जो वैल्यू है 0.01 सेकंड थी, तो डेल्टा पी 6.75 अपॉन 0.01, वी गेट द वैल्यू 675 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज़ अ न्यूटन, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द बैट्समैन ऑन द बॉल इज 675 न्यूटन। सो आई होप यू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एग्जाम्पल बेस्ड ऑन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड द मोमेंटम। सो फ्रॉम दिस क्लियर अंडरस्टैंडिंग यू कैन डेफिनेटली सॉल्व द एग्जाम्पल गिवन इन योर एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।